सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपका भाई मांझे की क्वालिटी आपको चेक करके बताएगा कि आपको मकर संक्रांति एंड उत्तरायण के लिए किस तरीके का मांझा आपको लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही सब आपको बताने वाला हूँ। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर काइट से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेंगी। ये देखिए गाइज, आपको इस तरीके से पहले मांझा अपना निकाल लेना है चरखी में से, और इसमें से आपको छल्ले बना लेने हैं। ये देखिए, जो मांझा अच्छा होगा वो अपना आप ही छल्ले बन जाएंगे उसके। देखिए इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको मांझा निकाल लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे इसमें छल्ले बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया मांझा है, बहुत अच्छा मांझा है फ्रेंड्स। ये इदरीस भाई मंसूरी का मांझा है, आप इसको एक बार खरीद कर देखना, मकर संक्रांति के बहुत ही अच्छा मांझा है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से हाथ फेर कर देखना है, और जो मांझा आप पहले तो आप महसूस करना, उसको आपको धीरे धीरे खींचना है मांझे को। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको, ये देखिए इस तरीके से महसूस करना है। जो मांझा बिल्कुल प्लेन हो वही मांझा आप मकर संक्रांति एंड उत्तरायण के लिए लेना। अगर जो मांझे में आपको थोड़ा सा भी अगर खुरदुरापन लगे तो उस मांझे को बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि आप उससे एक पेच काटोगे तो दूसरी में आपकी टूट सकती है पतंग, तो बहुत ही बुरा मांझा रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा प्लेन मांझा ही लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ज़रूर। और फ्रेंड्स, अब आपको नेक्स्ट बता देते हैं आप किस तरीके से मांझे को चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले ये देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ ये देखिए फ्रेंड्स, इदरीस भाई मंसूरी का मांझा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इसको इसका कोना ढूंढते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको तोड़ देते हैं और आपको बताते हैं कि आगे से आप किस तरीके से मांझे को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको आगे से मांझे को खोल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको पूरा मांझा खोल लेना है, और इसके अंदर चेक करने के कितने धागे हैं, कितने कोड का मांझा है। कम से कम 4 से 9 कोड के बीच में होगा तो ये बहुत ही बढ़िया मांझा है फ्रेंड्स। 4 से अगर 3 कोड भी है तो इसको बिल्कुल भी मत लेना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बुरा मांझा होता है 3 कोड का। एंड आपको 4 से 9 कोड का मांझा ही चूज़ करना है मकर संक्रांति उत्तरायण के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा 5 कोड का मांझा है फ्रेंड्स, इसके अंदर 5 धागे हैं और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मांझा है दोस्तों ये। तो दोस्तों, मकर संक्रांति भी आने वाली है, उसके ऊपर भी मैं आपको बहुत सारी काइट्स वीडियोज़ बनाऊँगा काइट कैचिंग की। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।